तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है TVS की रॉनिन, जो कि दोस्तों TVS की तरफ से आने वाला एक न्यू एंड फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके कीज से, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें आपको कीज देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है TVS की अदर बाइक से। अब इसे लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाने के बाद आप कुछ इस तरीके से आपको इसमें लुक मिलने वाला है फ्रंट से। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है ना फुल्ली LED सेटअप मिल जाता है। एक बार मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन होने के बाद ये जो सेटअप है ना आपको कुछ इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पे भी है ना आपको जो है LED साइड इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। बात करूँ दोस्तों इसके प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ना टोटल 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसका सबसे बेस वेरिएंट है ना उसका प्राइस है लगभग 1.48 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम मुंबई। और इसका जो दोस्तों टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ना उसकी प्राइस जाती है 1.70 लाख एक्स शोरूम मुंबई। और दोस्तों इसमें आपको जो है ना लुक एंड फील जो है ना बहुत ही डिफरेंट मिल जाते हैं, क्योंकि ये TVS की तरफ से आने वाला एक बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसके पहले TVS के पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। और इसमें आपको जो है ना दोस्तों एक प्रॉपर क्रूज़र के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स बाइक के मिक्सर मिलने वाले हैं, तो एक आपको डिफरेंट सी फील यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। शुरुआत करेंगे इस बाइक के फ्रंट पोर्शन से, तो यहाँ पे मैंने आपको हेडलाइट के बारे में तो बता ही दिया है। इसमें आपको मिलते हैं 41mm के शोवा के सस्पेंशन, जो कि USD सस्पेंशन है, और गोल्डन कलर फिनिश में ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। एंड ओवरऑल इसका फ्रंट का लुक है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ पे इसे आप भी देख सकते हो। बात करेंगे इसके टायर्स के बारे में, तो आपको आगे और पीछे जो है ना 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि दोस्तों डायमंड कट अलॉयस है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे डायमंड कट के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको जो है ना वो आपको 110x70 17 इंचेस के टायर्स मिलते हैं। और रियर टायर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है ना 130x70 17 इंचेस के टायर्स मिलेंगे। तो आपको ग्रिप जो है ना इन दोनों बाइक से बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है। ब्रेकिंग सेक्शन की तरफ आओ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS के साथ साथ ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका तो दोस्तों टॉप वेरियंट है ना उसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको सिंगल चैनल ABS लेना या ड्यूअल चैनल ABS लेना ये दोस्तों टोटली आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है। बाकी दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है ना उससे दोस्तों आपको जो ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, तो मतलब ये चीज़ आपको कॉमन मिल जाती है इसके बेस वेरिएंट में भी। आ जाएंगे इसके साइड पोर्शन की तरफ, तो साइड से आपको इस बाइक का लुक कुछ इस तरीके से मिलेगा। और दोस्तों इसका बेस वेरिएंट है इसमें आपको जो है सिंगल टोन मिलती है। अभी हमारे पास है इसका मिड वेरिएंट, और जिसमें दोस्तों आपको देख सकते हो आपको ड्यूअल टोन कलर फिनिश मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ ग्लॉसी सिल्वर फिनिश का ऑप्शन मिल जाता है। एंड ओवरऑल दोस्तों इसका लुक है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक TVS का हॉर्स का लोगो मिल जाता है, एक 3D एम्बलम बोल सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ आप देख सकते हो तो आपको TVS रॉनिन की भी ब्रांडिंग मिल जाती है। इसमें दोस्तों आपको टोटल जो है ना 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं, हर एक वेरिएंट में आपको 2 कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। और वही बात करेंगे इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको 225cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 20.4 PS ऑफ पावर। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको जो 19.9 Nm का टॉर्क मिलता है, तो पावर फिगर जो है ना बहुत ही अच्छे होने वाले हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो इंजन है ना आपके RTR 200 के बेस के ऊपर ही है, बट ट्यूनिंग जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट की गई है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक इंजन गार्ड मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक में आपको आता है। एंड ओवरऑल आपके इंजन को बहुत ही अच्छे से गार्ड कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको एक पिलियन और राइडर के लिए फुट पेग्स मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो तो साइड माउंटेड एग्जॉस्ट भी आपको मिलता है देखने के लिए। एक बार मैं इसकी जो साउंड है ना आपको सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको जो है ना एक बेसी एंड हेवी साउंड मिलती है। और TVS दोस्तों साउंड के मामले में बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमेशा से ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं वो है 240mm के, एंड फ्रंट में आपके जो है ना वो 300 के डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। रियर पोर्शन के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इसका आपको रियर पोर्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ना एक मेटल का जो मडगार्ड मिलता है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो तो आपको TVS की ब्रांडिंग मिलेगी। और इसमें आपको जो टेल लाइट है ना वो भी LED में ही मिलती है। एंड ओवरऑल दोस्तों एक आपको स्लीक एंड नॉर्मल डिज़ाइन मिलता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हो, आपको एक सिंगल सीट्स मिलती है यहाँ पे। एंड राइडर और पिलियन का जो कंफर्ट है ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लॉन्ग राइड के लिए भी इस बाइक के ऊपर राइडर एज वेल एज पिलियन बहुत ही ईजिली जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको डेडिकेटेड ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं पिलियन के लिए, तो यहाँ पर आपको पिलियन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस बाइक में दोस्तों आपको टोटल 5 स्पीड का गेयर बॉक्स मिल जाता है, तो यहाँ
यहाँ पे आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है जो कि है इसका चेन कवर। तो यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि ये दोस्तों एक बेल्ट ड्राइव है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके नीचे आपको जो है वो चेन मिल जाती है, पर जो कवर दिया गया ना वो आपको कुछ वैसे तरीके से लुक एंड फील ऐड कर देता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको एक यूनिक शेप में सारी गार्ड भी मिल जाता है। और इसके जो रियर के सस्पेंशन है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कम्फर्ट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है ना सस्पेंशन एडजस्टेबल मिल जाते हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर पाओगे। इसमें आप देख सकते हो आपको मेन स्टैंड के साथ साथ साइड स्टैंड भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आ जाएंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना थोड़ा सा आपको अलग लगने वाला है। और सिमेट्रिकल डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है, फुल्ली डिजिटल है। और यहाँ पे आपको एक सर्कुलर डायल के साथ आता है। और इसका जो टॉप वेरिएंट है ना उसमें आपको मिल जाएगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और पर दोस्तों इसका मिड वेरिएंट और बेस वेरिएंट है ना उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेगा। और जो इंजन की सारी टेलटेल लाइट्स आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ऑडोमीटर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मोड एंड सेट के लिए बटन मिल जाएगा, जिससे आप दोस्तों ट्रिप वन, ट्रिप ए, ट्रिप बी ऐसे कुछ देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर भी मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके जो हैंडल बार्स है ना आप देख सकते हो अच्छे खासे वाइड है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसके जो स्विच गियर्स की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, जो कि आपको आरटीआई 200 में जैसे मिलती थी, कुछ उस तरीके से यहाँ पे भी आपको इसकी जो स्विच गियर्स है उसकी क्वालिटी मिल जाएंगी। बट दोस्तों आप इसके मिरर्स देख सकते हो, आपको नाइस एंड स्टडी मिरर्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिरर्स भी बनाए गए हैं। इसके स्विचेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पास बटन, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर्स के लिए बटन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप हॉर्न का भी बटन देख सकते हो। हॉर्न की भी साउंड जो है ना अच्छी और लाउड है। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है, मोड के लिए बटन मिलता है। और इसमें दोस्तों आपको है ना टोटल दो मोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रेन और अर्बन, यहाँ पे आपको दो मोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट के लिए भी बटन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का भी बटन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका आपको एक ओवरऑल लुक मिलने वाला है। और साइड से आप इस बाइक का भी लुक देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इसमें लुक मिलता है। और ऑलमोस्ट इसमें जो है ना आपको 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, तो आपकी बाइक है ना नीचे टच नहीं होगी। सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो 795 mm का यहाँ पे सीट हाइट मिलता है। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ये बाइक है ना बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाली है। एंड ओवरऑल इसका वेट भी है ना बहुत ही अच्छा है, लगभग इसमें आपको 159 kg का वेट भी मिल जाता है। तो अभी दोस्तों चलिए इस बाइक को चलाते हैं और देखते हैं इस बाइक का एक्चुअली राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मेरे मोटर ब्लॉगिंग के सेटअप पे, और अभी मैं चलाने वाला TVS की रॉनिन। सो ऑल राइट, ओ माय गॉड, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बाइक क्या साउंड कर रही है यार, बहुत बढ़िया। इसके साउंड का तो मैं लिटरली दीवाना हो चुका हूँ, क्योंकि साउंड जो है ना बहुत ही बढ़िया आ रही है। और TVS हर बार साउंड के मामले में ना बहुत ही अच्छा काम करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके सीटिंग कम्फर्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके जो हैंडल बार्स है ना राइडर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, आप देख सकते हो हैंडल बार जो है ना वो अच्छे खासे वाइड है। सीट जो है ना राइडर के लिए और पिलियन के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट स्पेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजीली आप इसके सीट्स के ऊपर बैठ सकते हो लॉन्ग राइड के लिए भी। एंड इसके जो सस्पेंशन है ना वो सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छे से ट्यून किए गए हैं। फ्रंट में आपको मिलते हैं यहाँ पे USD सस्पेंशन फ्रॉम दिस शोवा। एंड ये जो सस्पेंशन सेटअप है ना, आपको थोड़ा सा फ्रंट का सस्पेंशन जो है ना मिड साइड में रखा गया है, बट जो रियर के सस्पेंशन है ना वो आपको थोड़े से स्टिप मिलते हैं, जो कि कॉर्नरिंग के वक्त आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। कॉर्नरिंग के वक्त आपकी जो बाइक है ना थोड़ी बाउंसी बाउंसी वाला फील आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से आपको ये बाइक जो है ना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कॉर्नरिंग पे भी। और इसके इंजन एंड पावर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये बाइक जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, लगभग 20 PS का पावर ये बाइक प्रोड्यूस करती है। और इसका जो इनिशियल पिकअप है ना बहुत ही ज़्यादा सही है, आप देख सकते हो क्या गाड़ी पुल करती है ये फर्स्ट एंड सेकेंड गियर में ही। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होता। इनिशियल पिकअप है ना इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही टॉर्की है।
और इसका जो इंजन है ना ऑलमोस्ट लिया गया है RTR 200 से, तो पावर फिगर्स आपको थोड़े बहुत वैसे ही लगते हैं, बट इसका जो ट्यूनिंग है ना थोड़ा सा अलग किया गया है। वाइब्रेशन यहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं होते, बट हायर RPM पे जाने के बाद आपको हल्के फुल्के वाइब्रेशन इसके हैंडल बार्स पे और इसके जो फुटपैक्स है उसके ऊपर फील होने वाले हैं। बट इसका जो सीटिंग पोजिशन है बहुत ही कम्फर्टेबल है, आप देख सकते हो मेरे जो पैर है ना वो आपको आगे की तरफ ही मिलते हैं, उसके फुटपैक जो है ना बहुत ही आगे है, तो यहाँ पर आपको लीन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी इसका जो मिड रेंज का परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, इवन टॉप एंड पे भी ये बाइक है ना आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पीड प्रोवाइड करती है, लगभग 120 का इसका टॉप स्पीड आपको मिल जाएगा, तो एक सफिशियंट स्पीड हो जाता है 125 सीसी के बाइक के लिए। इसमें आपको दोस्तों मिलता है 5 स्पीड का गेयर बॉक्स, तो यहाँ पे गेयर्स भी ना बहुत ही अच्छे से गिरते हैं, बहुत ही प्रिसाइजली गिरते हैं, गेयर बॉक्स भी बहुत ही स्मूथ रखा गया है, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लगेगा कि गेयर्स कहीं पे अटक रहे हैं, एंड ओवरऑल गेयर शिफ्टिंग भी इससे बहुत ही अच्छी होती है। इसका जो क्लच भी है ना दोस्तों बहुत ही लाइट वेट है, यहाँ पे आपको कुछ फील नहीं होगा चलाते समय। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर चाहिए तो आप इसका टॉप वेरिएंट देख सकते हो, वहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाएंगे। ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे अभी जो मैं बाइक चला रहा हूँ ये इसका मिड वेरियंट है, और इसमें आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट, बट आपको ड्यूअल चैनल ABS चाहिए तो आपको इसका जो टॉप वेरियंट है वो लेना पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी मिलता है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है, एंड ओवरऑल इसका जो ब्रेकिंग का फीडबैक भी है ना बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होती है, बहुत ही इजीली आप इस बाइक को चला पा रहे हो, और मैं बहुत ही कंफर्टेबली भी बैठा हूँ तो मुझे इतना कुछ फील नहीं हो रहा है, एंड बाइक जो है ना बहुत ही अच्छे से साउंड कर रही है, लिटरली इसका साउंड है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और कंफर्टेबल सीटिंग पोजिशन है तो मैं इसे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चला पाऊँगा। उसके बाद दोस्तों बात करूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना आपको थोड़ा सा एसिमेट्रिकल डिज़ाइन के साथ आता है, तो बहुत से लोगों को इसका डिज़ाइन है ना पहले नज़र में पसंद नहीं आएगा, बट आप जब भी इसे चलाओगे लॉन्ग टाइम के लिए तो आप यूज़ टू हो जाओगे, इसमें ऐसा आपको कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होगी, और इसके जो फॉन्ट्स भी है ना बहुत ही अच्छे से है, विजिबल है, तो यहाँ पे आप बहुत ही इजीली इस बाइक के साथ लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हो, एंड ओवरऑल इसके वाइब्रेशन जो है ना के बराबर है, तो आप इसके मिरर्स भी देख सकते हो, इसमें भी आपको कुछ वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी इस बाइक का वेट भी है ना आपको इतना कुछ फील नहीं होता है, एक लाइट वेट बाइक की तरह आपको लगेगी, इसका जो वेट है ना लगभग 159 kgs का है, बट चलाते समय आपको इतना वेट जो है ना इस बाइक से फील नहीं होता। ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना इसका अच्छा खासा रखा गया है, 180 mm का है, 181 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, पर ये बाइक जो है ना नीचे से कहीं भी टच नहीं होगी, आप इसे ख़राब रास्तों पे भी चलाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होगा, बहुत ही इजीली बाइक जो है स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गड्ढों में से बहुत ही ईजिली चली जाती है, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होता है। इवन इसका टर्निंग रेडियस भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा टर्निंग रेडियस है, सिटी में चलाने के लिए एक जो बाइक है ना बहुत ही अच्छी है, इवन आप इसे लॉन्ग टूरिंग के लिए भी लेके जा सकते हो, और TVS ने इसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज भी जो है ना वो लॉन्च किए, तो आप इसके एक्सेसरीज भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों इसके माइलेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, 30-35 का माइलेज आपको इस बाइक से ईजिली मिल जाएगा, बट आप इस बाइक को 70-80 स्पीड पर कंटिन्यूसली चलाते हो तो यहाँ पर ये बाइक जो है ना बहुत ही अच्छे से आपको 40 का माइलेज भी दे देगी, और इसका दोस्तों जो सीट हाइट है ना वो भी आपको बहुत ही कम मिलता है, तो लगभग इसमें आपको जो 795 mm का सीट हाइट भी मिलता है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए ना ये बाइक चलाने के लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, क्योंकि मेरी हाइट है लगभग 5'8" और मेरे पैर जो है ना बहुत ही इजीली टच हो रहे हैं, तो 5'5" या 5'6" वाले भी बंदे ना इस बाइक को बहुत ही ईजिली चला पाएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा TVS ऑटोमोटिव ऑटोरेस अभिषेक सर और संकेत सर, जिन्होंने ये बाइक मुझे आप तक पहुँचाने के लिए प्रोवाइड की। बाकी शोरूम की सारी डिटेल जो ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लीजिए, और दोस्तों आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।